अदर जो टॉपिक है तो रहेगा IPv4 एड्रेसिंग। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। V4 मतलब वर्जन 4 है। तो एड्रेसिंग स्कीम मतलब आपा एड्रेसिस लगाने हैं, जिदा आपा पढ़िया सी कि नेटवर्क लेयर जिहड़ी है वो एड्रेसिंग प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इन आपा लॉजिकल एड्रेस भी कहने हैं। लॉजिकल एड्रेस इस करके कहने, क्योंकि लॉजिकली ये कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, फिक्स एड्रेस नहीं होंगे, चेंज होंगे रहेंगे, इस करके इन्होंने आपा लॉजिकल एड्रेस कहने हैं, ठीक है। फिलहाल तुहानू क्लीयर होना चाहिए भी IP का मतलब हैगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्योंकि नेटवर्क लेयर ते इंटरनेट प्रोटोकॉल ही सब तो ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रोटोकॉल होंगे, इस करके नाम IPv4 लिखा है। V4 मतलब वर्जन 4, वैसे तो 6th वर्जन भी चल रहा, पर जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो स्टडी करना वो 4th ही करना है, ठीक है। अगर एक तो ज़्यादा PC सेम नेटवर्क पर है, मतलब इतने अलग अलग PCs अगर कनैक्टेड है आपस, तो हर PC का जोड़ा है IP एड्रेस यूनीक हों, कभी भी सेम नहीं हों, ठीक है। जो नेटवर्क एड्रेस, इनू नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं, इनू नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं। IPv4 एड्रेस भी कहते हैं, लॉजिक एड्रेस भी कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं। और नेटवर्क एड्रेस किनू मिलता, जिद को NIC कार्ड लगा होंगे। NIC कार्ड मतलब किनू कहते, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। NIC कार्ड भी बोलिया जाता, तो PC के बैकसाइड जिन्होंने लैन कार्ड भी बोलते हैं, जिन्होंने लैन कार्ड भी बोलते हैं या लैन पोर्ट भी बोलते हैं, उत्थे ये सारे काम करते थोड़े, ठीक है। सो जो हम मेन है यदा याद की रखना कि पहली गल तो जो IPv4 एड्रेसिंग है ये हमेशा 32 बिट की होंगी, 32 बिट का एड्रेस होंगे, ठीक है। 32 बिट का एड्रेस मतलब 2^32 डिवाइसिस जिहड़ियां कनैक्ट हो सकती है, 2^32 यूनीक एड्रेस तुहाडे को हो सकते, ठीक है। ये हुण मैथमैटिकल है कि अगर अगर तुसी ये वर्किंग है, हाँ जी दो हो गए, कुछ देता है एक, कुछ देता एक रहता है, नहीं फिर दो ही ठीक करने थी बस, हाँ दो ही करने, ठीक है, थैंक यू। जिहड़ा तुहाडा यूनीक एड्रेसिस का मतलब की है, फॉर एग्जाम्पल जिदा मान लो आप 2 बिट्स ले लें, ठीक है, 0 ते 1, ठीक है। तो ये यूनीक एड्रेस जिदा 2 बिट्स है, तो ये यूनीक किन्ने बनने, 2^2, यानी कि 4 एड्रेस मैक्सिमम बनने, 4 कॉम्बीनेशन ये बनने, 0/0, 0/1, 1/0 या 1/1, इन्हों 4 तो अलावा होर कोई कॉम्बीनेशन नहीं बनता। इस करके अगर 2 बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो साढ़े को यूनीक एड्रेस किन्ने होंगे, 4। अगर आप 32 बिट्स यूज़ कर रहे हैं तो मतलब साढ़े को यूनीक एड्रेस किन्ने होंगे, 2^32, ठीक है। उस तो बाद जो नैक्सट पॉइंट है, नैट जो तो IP एड्रेस होंगे, इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नैटवर्क एड्रेस, ठीक है। ये 2 हिस्से होंगे, नैटवर्क एड्रेस ते होस्ट एड्रेस, तुसी पार्ट भी बोल सकते हो, मतलब IP एड्रेस दे हमेशा 2 हिस्से होंगे, एक नैटवर्क नू रिप्रजेंट करता, एक तुहाडा होस्ट नू रिप्रजेंट करता, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 32 बिट्स नू आपां इकट्ठा कभी कंसीडर नहीं करते, आपां इहदे छोटे छोटे हिस्से करते हैं, किन्ने हिस्से करते हैं, 4 पार्ट्स करते हैं। हर पार्ट जिहड़ा होंदा 8 बिट का होंदा, उन्हां 8 बिट्स नूं आपां कहिंदे ऑक्टेट नाम रख्या होंदा, ते जिहड़े आ 4 पार्ट्स है दे आर सैपरेटड बाय डॉट्स, डॉट्स दे नाल इन्हां नूं आपां सैपरेट किया होंदा, जिद्दां तुहाडा कोई एड्रैस है 161.1.1.0। सो आह वाला जिहड़ा 1 है ये 8 बिट्स दे नाल बनिया होया, जिहड़ा आ वाला 8 है ये अलग 8 बिट्स है, आ 0 जिहड़ा इहदे नाल दीआं अपणीआं 8 बिट्स है, और 161 जिहड़ा इहदे नाल दीआं अपणीआं 8 बिट्स है, ठीक है। तुसीं इस तरह भी कह सकदे हो कि 8-8 बिट दे तुसीं 4 हिस्से कर ले, ये तुहाडा IP एड्रेस 4 नूं तुसीं इस तरह रिप्रजेंट करदे हो, और हर ऑक्टेट नूं वक्खरा किहदे नाल करदे हो, डॉट्स दे नाल, ते डॉट्स तुहाडे किन्ने यूज़ हुंदे, 3, ठीक है। हुण क्योंकि हरेक दे उत्ते 8-8 बिट यूज़ कर रहे हैं, आह भी 8 बिट यूज़ कर रहे, आह भी 8 बिट, आह भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, यदा मतलब इतने किन्ने कॉम्बीनेशन होंगे, 2^8 तरह की वैल्यू हो सकती, 2^8 अगर तुसी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 2^8 मतलब 2 × 2 × 2 8 वारी अगर इनू मल्टीप्लाई करोगे तो जिनी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती 192 समथिंग, सॉरी 256, 256 हो सकती दी वैल्यू मैक्सिमम, बिकॉज हम आप जी 0 तो वैल्यू स्टार्ट करनी है, इस करके मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती 255, घट्टो घट्ट वैल्यू होनी 0। इस तरह
इन्हां दी भी घट्टो घट वैल्यू जीरो मैक्सिम 255, इहदी भी घट्टो घट वैल्यू जीरो मैक्सिम 255, इहदी भी घट्टो घट वैल्यू जीरो इहदी भी मैक्सिम 255, इन्नी वैल्यू दी हो सकदी। ठीक है, इत्थे तक तुहाडा जिहड़ा इह जनरल कंसैप्ट है कि IPv4 जिहड़ा 32-bit दा एड्रैस हुंदा है, दो दे हिस्से हुंदे नैटवर्क एड्रैस ते होस्ट एड्रैस, चार पार्ट्स आपां इहनां नूं डिवाइड करदे हां। IPv एड्रैस नूं 8-bit दा हरेक ऑक्टेट हुंदा है ते इहनां दे विच जिहड़े हुंदे डॉट्स लगे हुंदे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपां दित्ता 161.1.10। ठीक है, हुण आह डैसीमल है, वैसे इहनूं तुसीं डैसीमल दे विच लिखिया होया, पर इहनूं जदों तुसीं डिकोडिंग या एनकोडिंग करदे हो, तुसीं बाइनरी च करदे हो, तो बाइनरी च तुसीं 8 बिट्स मन के चलदे हो कि अगर 161 नूं रिप्रजेंट करना तुहानूं 8 बिट्स का यूज़ करना पवेगा। ठीक, हुण उस तो बाद की है इहदा जिहड़ा मेन है, इहदियां हैगियां क्लासेस। IPv4 दियां आपां क्लासिस बंडिया होया, IPv4 एड्रैस में क्लासिस बंडिया होया। क्लासिस किन्ने तरीकों दी हैं? पांच तरह दी हैं, ए बी सी डी ते ई। पांच तरह दी हैं साढ़े को क्लासिस अवेलेबल है IP एड्रैसिस दी। ठीक है, हुण सानू किवें पता लगता कि जिहड़ा आपां एड्रैस है वह क्लास ए नूं बिलोंग करता या बी नूं या सी नूं या डी नूं, वह आपां स्टडी करांगे। उस तो बाद हर क्लास का की यूज़ है, मतलब ए क्लास कदों आपां यूज़ करते, बी कदों यूज़ करते, सी कदों यूज़ करते, डी ते कदों ई। ठीक है, वो आप गल कर लें। सब तो पहले आपां इहनां दी आइडेंटिफिकेशन समझते हैं कि आपां समझना किदां भी क्लास ए कि है, क्लास ए कि है, पहला उन्हूं किदां समझना, क्लास बी नूं किस तरह समझना है, क्लास सी नूं, दैन क्लास डी नूं, ते लास्ट क्लास ई नूं। ठीक है, हुण हरेक दे 8-8 हिस्से हो गए, मतलब आह पहला ऑक्टेट हो गया, आह दूसरा ऑक्टेट हो गया, आ तीसरा ऑक्टेट हो गया, तो इस तरह इतने थोड़ा चौथा ऑक्टेट हो गया। चार चार हिस्से चप्पा बन दिया 8-8 बिट का, ये भी चार हिस्से हो जाएंगे, इन दे भी चार हिस्से। जिहड़ा हुण जनरल कंसैप्ट पढ़िया वह तो सेम ही रहना। ठीक है, अगे वो बाइफरकेशन कितना की हुई वो आप स्टडी करनी है। ये जनरल कंसैप्ट है थोड़ा, तुसीं इस तरह चार चार हिस्से दे बंड ले। ठीक है, इत्थे थोड़े डॉट डॉट लगे हुए है, जिदा आप स्टडी किया इस तरह डॉट डॉट थोड़े इतने सारे च लगे हुए। उस तो बाद हुण इत्थे भी 8-bit, ये सारे 8-8 bits दी आपां पहली गल कर ली। हुण हुंदा की है, क्लास ए दे विच जिहड़ी पहली ऑक्टेट है ये नैटवर्क एड्रैस नूं रिप्रजेंट करदी है, और बाकी तीन जिहड़ियां ऑक्टेट्स है ये होस्ट नूं रिप्रजेंट करनगियां। क्लास बी दे विच पहलियां दो जिहड़ियां है ये तुहाडे नैटवर्क एड्रैस नूं रिप्रजेंट करनगियां। ठीक है, जिहड़ियां पहलियां दो है ये तुहाडियां नैटवर्क एड्रैस नूं रिप्रजेंट करनगियां, ते जिहड़ियां लास्ट दो है ये तुहाडे होस्ट एड्रैस नूं रिप्रजेंट करनगियां। ठीक है, जिहड़ा क्लास सी है इहदे विच पहले तीन जिहड़े हैगे ये नैटवर्क एड्रैस नूं रिप्रजेंट करते हैं, और जिहड़ा लास्ट वाला है ये होस्ट एड्रैस नूं रिप्रजेंट करना। ठीक है, क्लास डी ते ई दे विच इदां दी कोई बाइफिकेशन नहीं है कि किहड़ा नैटवर्क नूं रिप्रजेंट करता ते किहड़ा होस्ट नूं रिप्रजेंट करता, इहदी बाइफिकेशन आपां नहीं कीती हुंदी। ठीक है, उस तो बाद क्लास ए दी पहचान किदां हुंदी, एक ते सानूं इह पता लग गया कि उहदे जिहड़ा पहले अठ हिस्से है, पहले 8 bits है, पहला ऑक्टेट है, वह नैटवर्क एड्रैस नूं रिप्रजेंट करेगा। ठीक है, पर देखने तो सारे पहले इको जे है, फर्क किदां पता लगेगा? अगर ए मतलब ए क्लास आपां किहनूं कहांगे जिहदे पहले ऑक्टेट की पहली वैल्यू हमेशा जीरो हुंदी है, अगर तुहाडे कोई इहो जी क्लास है जिहदे फस्ट ऑक्टेट की पहली वैल्यू जीरो है, इट मीनस वह क्लास ए नूं बिलोंग करदे। अगर पहलियां दो वैल्यूज 1 and 0 है तो ये हमेशा किहनूं बिलोंग करदे? क्लास बी नूं। अगर पहलियां वैल्यूज़ आ वाली 1 1 0 आती हैं, मान लो पहलियां तीन वैल्यूज़ हमेशा जिहड़ियां है वो 1 1 0 है, तो वह क्लास सी नूं बिलोंग करनगियां। अगर पहलियां चार वैल्यूज़ ए हैगियां तो वह क्लास डी नूं बिलोंग करते हैं, अगर फस्ट 4 bits जिहड़ियां है वो 1 है तो वह क्लास ई नूं बिलोंग करते। हुण अगर तुसीं इहनूं याद भी करना चाहते हो तो तुसीं आराम नाल देखो कि आपां 0 तो स्टार्ट किया, उस तो बाद 1 1 बनाता, 0 अगे शिफ्ट करते, उस तो बाद 2 1 लगाते, अगे शिफ्ट करते, 3 1 लगाते, अगे 0 शिफ्ट करते, उस तो बाद 4 1 लगाते।
सो तुहानू किसी क्लास तो किदा पता लगेगा कि क्लास ए नू कौन बिलोंग करता, अगर उसकी पहली बिट जीरो है, अगर पहलिया दो बिट्स वन जीरो है तो बी है, अगर पहलिया तीन बिट्स वन वन जीरो है तो सी है, अगर ए फिक्स रहनगियां मतलब आ बिट्स फिक्स हो गई, इस एक बिट फिक्स हो गई, इस दो हो गई, इस तीन हो गई, इस चार इस भी चार, तो उन्होंने वैल्यू भी फिक्स हो गई। इस तो अगर वन लाओ जीरो लाओ जो मर्जी लाओ, पर पहली वैल्यू हमेशा की होनी चाहिए जीरो। इस केस पहलिया दो वैल्यूज हमेशा ये होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी लगाओ। जो तो आ चीज़ देख ली पहली जीरो आ गई तो मतलब क्लास ई नू बिलोंग कर दे, तो यह मतलब पहला जो हिस्सा आप मनना नैटवर्क। अगर पहलियाँ दो वैल्यूज़ वन एंड जीरो हो गई तो मतलब आप पहले दो हिस्से मनने नैटवर्क, अगर पहलियाँ तीन वैल्यूज़ वन वन जीरो हो गई तो मतलब आप मनना उन्होंने सी क्लास, मतलब आ वैल्यूज फिक्स हो जाए। ठीक है, उस तो बाद यदा जनरल कंसैप्ट हो गया सिंपल कि आप नैटवर्क एड्रैस किमें बंटते हैं, तो आइडेंटिफाई किमें करते हैं कि तुहाडी क्लास कीड़ी है, हायर ऑर्डर बिट्स इन्हों नूं कहिंदे, क्योंकि सब तो लैफ्ट साइड जिहड़ियां बिट्स होंदियां हायर ऑर्डर बिट्स होंदियां, जिदा जिदा आप राइट साइड नूं जांदे वो लोअर ऑर्डर बिट्स हो जांदियां। हुण इहदे अकॉर्डिंगली आप वैल्यू फिक्स कर देने, जो तुसीं वैल्यू फिक्स करोगे और इन्हां नूं कैलकुलेट करन दी कोशिश करोगे, मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दिंदा। जिदा मान लो क्लास ए दा नैटवर्क एड्रैस है, तो इहदी पहली वैल्यू फिक्स हो जाणी जीरो, बाकी मैक्सीमम मिनीमम की हो सकदी है सारियां जीरो, मतलब आप अठ बिट्स नूं जीरो कर लेना। हुण ये बाइनरी है, जो तो तुसी बाइनरी नू ऑक्टल च सॉरी डेसिमल च कन्वर्ट करोगे, टू रेज टू पावर जीरो इदा इनू करते होंगे सके छोटे क्लासेस से, तुसी सीओ च पढ़िया होना चीज़ा, टू रेज टू पावर फोर, टू रेज टू पावर फाइव, टू रेज टू पावर सिक्स, टू रेज टू पावर सैवन, या इन इदा भी लिखते हैं कई वन टू फोर एट सोलह थर्टी टू सिक्सटी फोर, ठीक है, तो एक सौ अठाई, इस तरह भी कई लिखते हैं। जो तुसी इस तरह लिखोगे तो इन्हों कन्वर्ट करोगे ये डेसिमल वैल्यू, तो डेसिमल वैल्यू की आऊगी जीरो। तो अगर पहली वैल्यू फिक्स है यानी कि जीरो है, मैं क्लास ए की सिर्फ गल कर रहा, और बाकी सारिया वैल्यूज मैक्सिमम की हो सकती वन, मतलब सत्त वन हो सकते, तो यानी कि वन यदा आंसर आ गया वन, यदा टू, यदा फोर, यदा एट, यदा सिक्सटीन, यदा थर्टी टू, तो यदा सिक्सटी फोर। जो इन सारे तुसी प्लस करोगे तो ये की बनूगा वन ट्वेंटी सैवन, यानी कि अगर पहली वैल्यू तुहाडी जीरो तो लैके एक सौ इकत्ती दे विच है, तो इहदा मतलब तुसी क्लास ए नूं बिलोंग करदे हो। इस तरह अगर तुसी क्लास बी की कैलकुलेशन करोगे, जिहड़ियां पहली दो वैल्यूज़ वन ते जीरो है, इहदा मतलब बाकी सारियां वैल्यूज़ जिहड़ियां जीरो 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 हो सकदियां, ठीक है, पहलियां जीरो बाकी सारियां छे वैल्यूज़ वन 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 हो सकदियां। अगर तुसी इहदे अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो बी की जिहड़ी मिनिमम वैल्यू है वह बनेगी एक सौ अठाई, तो मैक्सिमम बनेगी वन नाइनटी वन। इस तरह सी क्लास की अगर तुसी कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम वैल्यू बनेगी 192 तो मैक्सिमम बनेगी 223। अगर इस तरह से डी की कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम वैल्यू बनेगी 224 तो मैक्सिमम बनेगी 239। इस तरह का अगर तुम ई की कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम वैल्यू बनी 240, मैक्सिमम वैल्यू बनी 255। यहाँ मतलब बाई चांस तुम्हें एड्रैस देता 120 समथिंग कुछ भी लिखता, तुम्हें पहली वैल्यू की रेंज देखनी। हम पहली वैल्यू की रेंज कि आ रही है ए क्लास, यहाँ मतलब ए क्लास ए की बिलोंग करता ए क्लास। मान लो मैं तुम्हें रैंडमली बोलता जी 230.1.2.0, हम दसो आ कि क्लास में बिलोंग करता, तो रेंज याद होनी चाहिए या तुम्हें कैलकुलेट करनी होनी चाहिए। इस रेंज के अकॉर्डिंग कि क्लास का एड्रैस बनता डी का, आ डी क्लास का एड्रैस है। मतलब तुम पहले ऑक्टेट तो ही आइडेंटिफाई कर लेंगे हो कि तुम कि क्लास में बिलोंग करते हो, बेसिस से तुम दस देंगे भी तुम्हारा नैटवर्क एड्रैस कि होस्ट एड्रैस कि, ठीक है, इन्ना क्लीयर होना चाहिए। ये बुक के उत्ते चार्ट भी बनया हुआ, समरी ऑफ द वेरियस फीचर ऑफ आई पी एड्रैसिस क्लासिस, उस सारा चार्ट ही बनया हुआ, ठीक है। वो ही हूँ यदा मतलब इतने नैटवर्क एड्रैस में किनिया बिट्स मिली, सत्त बिट्स, तो होस्ट न किनिया मिल गई, 38 24 24 बिट्स मिल गई होस्ट न। अगर तुम क्लास ए की गल करो तो आप 7 बिट्स देती हैं नैटवर्क एड्रैस न, जड़िया 24 बिट्स है वह किनू देती हैं होस्ट एड्रैस में, ठीक है। ये भी जी फरदर एक थ्यूरी होंगी है कि ये एक लूप बैक एड्रैस हों, मतलब 127.0.0.0 ये कह लो भी एक फिक्स एड्रैस है जोड़ा आप किसी होर असाइन नहीं करते, ठीक है। सो उस तो बाद जोड़ा है तोड़ा नैटवर्क जोड़ा है उस 24 बिट्स है, पर 24 के भी जी आप माइनस 2 कर दें, 2 बिट्स जी फिक्स करते हैं, एक जो एड्रैस हों ब्रॉडकास्ट लिए आप फिक्स करते हैं, तो बुक के उत्ते थ्योरी दी हुई है। दो आप क्यों घटा दें होस्ट एड्रैस, क्योंकि एक आप ब्रॉडकास्ट एड्रैस लिए यूज़ करते हैं और एक आप नैटवर्क एड्रैस लिए यूज़ करते हैं। इस करके तो होस्ट को कितनी मिल गई टोटल बिट्स, मतलब होस्ट तो कितने हो सकते, 2 रेज़ टू पावर 22 होस्ट हो सकते हैं
ए क्लास दे विच ते नेटवर्क दीआं किन्नीआं टाइप्स हो सकदीआं मैक्सीमम 2^7 मतलब 2^7 तरह के सत्त तरह के तुहाडे कोल नेटवर्क हो सकदे आ ए दे विच ते 2^25 तरह के तुहाडे कोल होस्ट हो सकदे डिफरेंट होस्ट हो सकदे यूनीक हो सकदे अगर तुसीं देखो ए दे विच हुण की है सब तो ज़्यादा होस्ट है हुण अगर तुसीं बी की गल करो बी दे विच की होगा नैटवर्क नूं किन्ने मिले 8 ए हो गई 8 बिट्स इधरों लै लो 6 इधरों लै लो यानी कि 2^14 ये की हो सकते नैटवर्क एड्रैस हो सकते ठीक है ते उस तो बाद जिहड़ा होस्ट है उहनूं किन्ने मिले हुण 16 दे विचों भी जिहड़े 2 होने वो फिक्स होने है इस करके तुहाडे किन्ने बनने 2^14 होस्ट हो सकते इत्थे हुण होस्ट घट गए उस तो बाद क्लास सी आ गई ये तुसीं नैटवर्क देखो किन्ने तुहाडे 3 ऑक्टेट नैटवर्क नूं देते यानी कि 2^24 3 घटा दो 21 तुहाडे नैटवर्क एड्रैस हो सकते हैं तो 2^ हुण इन्हां विचों फिर 2 घट जाने होस्ट 8 हो गए 2^8 हो गए 8 जो 2 घटा दो 6 तुहाडे होस्ट हो सकते ठीक है सो इत्थों तुसीं की आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर तुहाडे होस्ट ज़्यादा है तो तुहानूं क्लास ए यूज़ करनी पवेगी अगर होस्ट उस तो घट है तो बी यूज़ कर लो या कह लो तुहाडे कोल अगर नैटवर्क ज़्यादा तुसीं सी नूं यूज़ कर लो अगर नैटवर्क घट है तो बी यूज़ कर लो अगर नैटवर्क होर भी घट है तो ए यूज़ कर लो ठीक है अगर तुसीं मैथमैटिकली समझण की कोशिश करो तो हर नैटवर्क दे विच मतलब 2^7 नैटवर्क हो सकते हैं अलग अलग तरह के तो हर नैटवर्क दे विच 2^22 होस्ट हो सकते ठीक है इस तरह यदि एक सिंपल जी थ्यूरी है तुसीं बुक ते इहनूं स्टडी कर सकते मैथमैटिकल है सारा ये कुछ खास नहीं है मेन तुसीं की याद रखना होंदा जिहड़ा क्लास ए है ये आपां लार्ज ऑर्गनाइजेशन लई यूज़ करते हैं अगर बहुत वड्डी तुहाडी ऑर्गनाइजेशन है मतलब बहुत ज़्यादा होस्ट है तो आपां क्लास ए यूज़ करते हैं ठीक है उस तो बाद क्लास बी आपां मीडियम जिहड़ियां ऑर्गनाइजेशनस है मतलब ना ज़्यादा वड्डियां ना ज़्यादा छोटियां बाकी कैलकुलेशन दे बेस ते कि होस्ट अगर उन्होंने 2^14 के अंदर होस्ट आते हैं तो तुसीं मीडियम ऑर्गनाइजेशन लई क्लास बी यूज़ करते हो एड्रैसिंग सी तुसीं नॉर्मली जिदा आपां कॉलेज वगैरह च यूज़ करते हैं तो आप क्लास सी नूं ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है क्योंकि ये साढ़े को होस्ट इन्ने होंगे नहीं टोटल अगर 2^6 नूं तुसीं कैलकुलेट भी करोगे तो समथिंग 254 दे अराउंड आता है ठीक है सो मतलब इतने आप 2 बिट्स नहीं 2 होस्ट करने होंगे ठीक है मतलब 2 होस्ट घटाने होंगे 2^8 तुसीं 8 करोगे 256 आऊगा माइनस 2 करोगे तो तुहाडे को 254 होस्ट सानू चाहिए होंगे अगर तुहाडी रिक्वायरमेंट सिर्फ इन्ने होस्ट की है तो तुसीं क्लास सी नूं यूज़ कर सकते कहने का भाव की है कि तुसीं इत्थे भी 2^14 2^6 आना माइनस 2 इत्थे आना सिर्फ 2 एड्रैस आपां करने होंदे 2^24 ही आऊगा माइनस 2 आऊगा थले ठीक है मतलब 2 वैल्यूज़ तुसीं सिर्फ रिजर्व करके रख दिओ जिहड़ी आपां इत्थे गल कीती आ एक हुंदी ब्रॉडकास्ट लई एक हुंदी नैटवर्क एड्रैस लई 2 वैल्यूज़ ना कि 2 बिट्स 2 वैल्यू सिर्फ ठीक है पहला मैनूं भुलेखा लग गया मैं तुहानूं 2 बिट्स बोलियां 2 बिट्स नहीं हुंदियां 2 वैल्यूज़ हुंदियां सिर्फ तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन तुहाडे होस्ट की किन्नी काउंटिंग है तुसीं उहदे अकॉर्डिंगली डिसाइड कर दिओ तुसीं कि क्लास का एड्रैस जिहड़ा उह यूज़ करना उस तो बाद क्लास डी जिहड़ी है और ई है इहनूं हजे तक कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करता यह हजे तक रिजर्वड क्लासिज आपां इहनां नूं कहिंदे आ ठीक है क्योंकि इहदे विच आपां नैटवर्क आई डी ते होस्ट आई डी नूं जिहड़ा डिवाइड नहीं कीता हुंदा ठीक है इहनूं जिहड़ा क्लास डी है इहनूं मल्टीकास्टिंग लई वैसे यूज़ करदे आ अगर मल्टीकास्टिंग तुसीं इंप्लीमेंट करनी है तो तां तुसीं क्लास डी नूं यूज़ करदे हो तो जिहड़ा ई है ये तो वैसे रिजर्वड है मतलब इन कोई यूज़ ही नहीं कर रहा रिजर्वड फॉर फ्यूचर मतलब हजे तक साढ़े को इन्ने बंदे हो ही नहीं कि आप क्लास ई की IP एड्रैसिंग सानू यूज़ करने की लोड़ पवे नॉर्मली जिदा आप कॉलेज यूज़ करते आप सी यूज़ करते हैं थोड़ी लार्ज ऑर्गनाइजेशन से क्लास बी होंगी है तो जे बहुत ज़्यादा होस्ट हो तो को क्लास डी होंगी है ठीक है मेनली तुसीं सिर्फ याद की करना होंदा है ये जो तुहानू एग्जाम आता तुहानू आता कई बार भी IP4 राइट नोट आता IPv4 एड्रैसिंग तुसीं पहले उहदी थ्यूरी लिख देनी जो जनरल जे आपां कंसैप्ट पढ़े है कि 32 बिट का हुंदा है इहदे नैटवर्क एड्रैस ते होस्ट एड्रैस च आपां इहनूं वंडिया हुंदा है ऑक्टेट च वंडिया हुंदा है 4 पार्ट्स हुंदे डॉट्स आपां लगाने हैं उस तो बाद तुसीं आ एक टेबल जिहा बना देना हुंदा भी क्लास ए नूं आपां आइडेंटिफाई किवें करदे हैं कि अगर तुहाडा अगर तुहाडा पहली वैल्यू 0 है तो यह मतलब क्लास ए नूं एड्रैस ए एड्रैस जिहड़ा क्लास ए नूं बिलोंग करता है यह मतलब आप पहले ऑक्टेट नैटवर्क गिणना बाकी होस्ट गिणना
हूँ जीरो दे विच्चों एक बिट साड़ी फिक्स हो गई है, तो यह मतलब नैटवर्क में किनिया बिट्स मिल गई सैवन, यानी कि साढ़े को दो रेज टू पावर सैवन तरह के नैटवर्क हो सकते हैं। ये मेरे ख्याल तुम्हें क्लीयर हो गया होना, जिदा मैं तुम्हें दस भी तुम्हारे को पहले दो बिट्स है तो दो रेज टू पावर दो करोगे तो साढ़े को चार डिफरेंट कॉम्बीनेशन बनते हैं, मतलब साढ़े को चार अलग 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 एड्रैस बनते। इतने करने किन्ने बने टू रेज टू पावर सैवन, तुम कैलकुलेट कर सकते हो टू में अगर सैवन बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आऊगा उन्ना तो जो है नैटवर्क अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, होस्ट लिए तो तीन ऑक्टेट सेव कर ले, मतलब तो चौबी बिट्स हो गई हैं 8 3 24, बट टोटल दो एड्रैस तुम सेव करके रख दो, दो एड्रैस तुम अलग तो सेव करके रखने हैं, इस करके 2 raised to power 24 - 2 टोटल दे विच्चों दो माइनस करने उन्ने होस्ट रख सकते हो। दो आप सेव क्यों किए, क्योंकि फिक्स की होंगी वैल्यू अपना कि एक आप ब्रॉडकास्ट एड्रैसिंग यूज़ करना एड्रैस से एक आप नैटवर्क एड्रैस लिए यूज़ करना होंगे। ठीक है, ये हर क्लास के सेम ही कंसैप्ट चलूगा, ये 2 raised to power 6 जिहड़ियां हैगियां तुसी सेव कर लेनियां अपने क्लास बी दे विच नैटवर्क लई। ठीक है, तो 2 raised to power जिहड़ियां 16 है वो तुहाडे हो गए मैक्सिमम होस्ट, मतलब 16 16 हो जाने, इधर ये दो घट जाने 14, नैटवर्क में इतने किन्ने मिलनी 14 क्योंकि दो घट गई, तो इतने होस्ट में किन्ने मिलनी 16 बिट्स, इतने नैटवर्क में किन्ने मिलनी 3 घट गई 21, तो इतने होस्ट में किन्ने मिल गई 8। ठीक है, इतने तुहाडा नैटवर्क तो होस्ट आपां कुछ डिवाइड किया ही नहीं होया, इस करके आपां नैटवर्क तो होस्ट इत्थे गल नहीं करते, सिर्फ ध्यान के रखना होंदा कि टोटल होस्ट जिन्ने बनणगे 16 बिट्स मिली, यानी कि टोटल होस्ट किन्ने बन गए 2 raised to power 16, इन्हां टोटल दे विच्चों दो रिजर्व कर लैने, दो कढ लैने फिक्स कर लैने। ठीक है, इहदे विच भी 2 raised to power 8 दे विच्चों टोटल दे विच्चों 2 माइनस कर देने, उन्ने तुसीं होस्ट लगा सकते हो। हुण होस्ट की रिक्वायरमेंट के उपर तुसीं डिसाइड कर दिओ भी तुसीं कि एड्रैसिंग यूज़ करनी है, लार्ज ऑर्गनाइजेशन है तो ए यूज़ कर लो, मीडियम है तो बी, स्मॉल है तो सी, डी तुहाडी मल्टीकास्टिंग लिए यूज़ हुंदा, ई हजे रिजर्वड है किसी ने आपां यूज़ नहीं की। एक होर तरीका हैगा याद करन दा, पहली वैल्यू देख के ही सिर्फ आपां आइडेंटिफाई कर लैने, पहली वैल्यू की रेंज याद कर लैनी, अगर 0 तो लैके 127 दे विच विच वैल्यू आती है दोनों इनकलूडेड, 0 भी ए दा बिलोंग करता 127 भी ए नू बिलोंग करता, अगर बी दे रेंज तुसीं याद कर लो 128 तो लैके अगर 191 दे विच विच पहली वैल्यू है तो वह क्लास बी नू बिलोंग करता, जिदा नॉर्मली तुसीं देखे होना तुहाडे जिहड़े पीसी हुंदे उन्हां नू एड्रैस इदा दित्ता हुंदा 192.168.1.1, तो इहदा मतलब तुसीं किहनू यूज़ कर रहे हो, क्लास सी नू, तुसीं क्लास सी दी एड्रैसिंग स्टीम यूज़ कर रहे हो, इसे तरह तुसीं क्लास डी दी भी कर सकते हो ते ई दी भी।